किसी आदमी ने पूछा, ये सही बुखारी में मौजूद, किसी ने पूछा कि आदमी जब तवाफ कर रहा होता है तो हजरे अस्वद को चूमना चाहिए या इशारा करना चाहिए, इस्लाम करना चाहिए। तो उन्होंने फरमाया, रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुहु व यस्तलिमुहु, मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरे अस्वद को चूमते भी थे और उसकी तरफ इशारा भी करते थे, इस्लाम भी करते थे। इस्लाम के दो माने होते हैं, हाथ लगाना भी और इशारा करना भी, ये दोनों इस्लाम। वो आदमी कहने लगा, अरएता इन उज़्दहिमता ए अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, आपका क्या ख्याल है, अगर अगर हाश हो जाए तो क्या करें, अगर अगर मगर अगर मगर। ये बात लोग हदीस को रद्द करने के लिए करते हैं। तो जनाबे अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इजाल अरएता का फिर यमन, ये अगर मगर को दफा करो, इसको यमन में फेंक दो, ये अगर मगर नहीं चलेगा। यहां हदीस के मुकाबले में अगर मगर नहीं, इजाल अरएता का फिर यमन, ये अरएता को छोड़ो यमन में फेंको, ये सही बुखारी में मौजूद है। रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुहु व यस्तलिमुहु, मैंने देखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरे अस्वद को चूमते भी थे, इशारा भी करते। ये है वो ईमान, वो दर्द, वो ईमान का दर्जा, वो जज्बा जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी है और अल्लाह ने उन्हें सर्टिफिकेट लखद रजी अल्लाह अन्हु व रज़ुआ, अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह से